गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 6 लर्न करेंगे। आज हम वर्ब सेट 6 में 1 to 25 वर्ब लर्न करेंगे और उनको अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। समझ आया क्या करेंगे? ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 6 की 1 to 25 वर्ब लर्न करेंगे और उनको अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। कैसी राइटिंग में बच्चों? साफ और सुंदर राइटिंग में। समझ आया? चलिए तो अब हम वर्ब लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वर्ब है डिसइंफेक्ट। फर्स्ट वर्ब हमारी क्या है बच्चों? डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है रोगाणुओं से मुक्त करना। डिसइंफेक्ट DISINFECT डिसइंफेक्ट रोगाणुओं से मुक्त करना। रोगाणुओं से मुक्त करना मतलब जो हमारे जो कीटाणु होते हैं उनसे दूर होना, डिसइंफेक्ट करना अपने आप को। जैसे हमारा कोई घाव, हमारे चोट लग गई तो क्या होता है, हमें अपने घाव को पहले डिसइंफेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद हम दवा लगाकर उसको फिर हम अपने ना ड्रेसिंग करवाते हैं। तो डिसइंफेक्ट मतलब रोगाणुओं से मुक्त करना। डिसइंफेक्ट मतलब रोगाणुओं से मुक्त करना। समझ आया? चलिए अगला जो वर्ब है हमारी, अगली वर्ब है हमारी डिस्टिंग्विश। क्या है? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर करना। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? अंतर करना। DISTINGUISH डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब होता है बच्चों अंतर करना। जैसे हम किसी भी चीज़ में अंतर कर सकते हैं, जैसे दो किताबों में अंतर करना, दो प्रकार की छुट्टियों में अंतर करना। समझ आया? तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, DISTINGUISH फिर से बोलिए, DISTINGUISH डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों विभाजन करना। डिवाइड विभाजन करना। समझ आया आपको? डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। DIVIDE डिवाइड। डिवाइड मीन्स विभाजन करना। डिवाइड मीन्स क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। समझ आया? जैसे किसी भी चीज का जैसे टुकड़ों में बांटते हैं ना हम, उसको बोलते हैं हम विभाजन करना। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश का क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया है, हमारे देश के टुकड़े कर दिए हैं। समझ आया? जैसे हम किसी भी चीज़ का विभाजन करते हैं, जैसे अब हमको कोई चीज़ बांटनी है तो हम उसका क्या करेंगे? पहले विभाजन करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, कि दो बच्चों में अगर हमको कोई चीज़ देनी है तो हम उसको डिवाइड करेंगे कि इस आधी इसको दे दो, आधी इसको दे दो। मैंने डिवाइड कर दिया, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। समझ आया? उसके बाद अगला है DOMESTICATE डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को पालतू बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिकेट। जैसे मैंने एक कुत्ते को पालतू बना लिया है, मैंने एक बंदर को पालतू बना लिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू बनाना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर को पालतू बनाना मतलब उसको अपने घर में रखना, उसे पालना, उसे अपने तरीके से करना, तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है बच्चों? पालतू बनाना। चलिए स्पेलिंग बोलिए, DOMESTICATE एक बार फिर से बोलिए, DOMESTICATE डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना। समझ आया? चलिए अगला वर्ब, चलिए बच्चों तो अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब क्या है हमारी? डाउन। DOWN डाउन। डाउन मतलब होता है गटक जाना। जैसे पानी को गटक जाना, कोल्ड ड्रिंक को गटक जाना, चाय को गटक जाना मतलब पी लेना, अंदर कर लेना, गटक जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन। DOW डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है? गटक जाना। डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? गटक जाना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए, DOW डाउन। डाउन मीन्स गटक जाना। समझ आया? चलिए चलिए अगली वर्ब है हमारी ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिरना या फिर गिराना। ड्रॉप
ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना, ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना, DROP ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर बच्चों गिराना, जैसे पानी की बोतल गिर गई, पेंसिल गिर गई या फिर हमने गिरा दी तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना, DROP ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना, समझ आया आपको। चलिए चलिए अगली वर्ब है हमारी ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूब कर मर जाना, मतलब पानी में डूबना, डूब जाते हैं ना, डूब कर मर गई, तो ड्राउन का मतलब क्या होता है, डूब कर मर जाना, DROWN ड्राउन। ड्राउन का मतलब क्या होता है बच्चों, डूब कर मरना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, DROWN ड्राउन, ड्राउन मीन्स डूब कर मरना, समझ आया। एक बार फिर से बोलिए, ड्राउन, ड्राउन मीन्स डूब कर मरना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है, ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, सूखना या फिर सुखाना। जैसे हम बाल सुखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हैं ना, अपने बालों को ड्राई करते हैं। छत पर कपड़ों को सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसे भी हम ड्राई करते हैं ना, तो ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना, समझ आया आपको। DRY ड्राई, ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना, DRY ड्राई, ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डाई। डाई मीन्स क्या होता है बच्चों, रंगना। डाई मीन्स क्या होता है, रंगना, मतलब किसी भी चीज़ को रंग देना, किसी भी चीज़ को रंगना। जैसे डाई करते हो ना आप तो रंगते हैं, जैसे कोई कारीगर है वो साड़ियों को रंग रहा है, तो डाई मीन्स रंगना, DYE डाई, डाई मीन्स क्या होता है बच्चों, रंगना। जैसे कपड़े भी रंगे जाते हैं, डाई की जाती है ना कपड़ों पर भी, तो DYE डाई, डाई मीन्स क्या होता है, रंगना, डाई, डाई मीन्स रंगना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, DYE डाई, डाई मीन्स रंगना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है बच्चों, लंबा करना। इलोंगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, लंबा करना, ELONGATE इलोंगेट, लंबा करना। इलोंगेट मतलब लंबा करना, ELONGATE इलोंगेट मतलब क्या होता है बच्चों, लंबा करना, ELONGATE इलोंगेट मतलब क्या होता है, लंबा करना। इलोंगेट मतलब लंबा करना, ELONGATE इलोंगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, लंबा करना। जैसे रस्सी को मैंने लंबा कर दिया है, लंबा कर दिया रस्सी मैंने, रस्सी को मैंने क्या किया, लंबी कर दी है रस्सी, तो इलोंगेट, इलोंगेट समझ आया, इलोंगेट का मतलब क्या होता है, लंबा करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है एम्ब्रॉयडर। क्या है, एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है बेल बूटे काटना। एम्ब्रॉयडर का मतलब क्या होता है बच्चों, बेल बूटे काटना। जैसे आप देखते हो जो साड़ियाँ होती हैं एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है उन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब क्या होता है बच्चों, बेल बूटे काटना, उस पर बेल बूटे बने होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब बेल बूटे काटना। स्पेलिंग बोलिए, EMBROIDER एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब क्या होता है, बेल बूटे काटना। एक बार फिर से बोलिए, EMBROIDER एम्ब्रॉयडर मतलब बेल बूटे काटना। चलिए अगली वर्ब है हमारी इनेबल। इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना। इनेबल मतलब क्या होता है बच्चों, योग्य बनाना, ENABLE इनेबल। इनेबल मतलब योग्य बनाना, जैसे किसी भी व्यक्ति को योग्य बनाना, जैसे कोई अध्यापक है वो अपने छात्रों को योग्य बना रहा है, जैसे कोई मम्मी पापा हैं, कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को योग्य बना रहे हैं, ठीक है, तो इनेबल, इनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, योग्य बनाना। इनेबल, इनेबल मतलब क्या होता है, योग्य बनाना। स्पेलिंग बोलिए बच्चों, ENABLE इनेबल। इनेबल मतलब योग्य बनाना। एक बार फिर से बोलिए, ENABLE इनेबल। इनेबल मतलब योग्य बनाना। चलिए अब हम अपनी अगली वर्ब पर चलते हैं। तो अगली वर्ब हमारी क्या है बच्चों, स्केप। स्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। स्केप का मतलब क्या होता है, बचकर निकलना। जैसे किसी जगह पर कोई झगड़ा हो रहा था, हम वहां से धीरे से चुपचाप बचकर निकल आए, तो हम क्या बोलेंगे, स्केप। स्केप का मतलब क्या हुआ, बचकर निकलना, समझ आया। स्केप मतलब बचकर निकलना।
escape, escape मतलब बचकर निकलना। समझ आया आपको? एक बार स्पेलिंग फिर से बोलिए, escape, escape मतलब बचकर निकलना। समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है even। even तो आप जानते ही होंगे, even, even, even और odd number जानते हो ना, even और odd number, तो उसी जैसा even। even का मतलब क्या होता है? even, even, even मतलब होता है बच्चों बराबर करना। even मतलब बराबर करना, सबको, हम सबको बराबर मानते हैं, even है सब, even है। समझ आया? तो even का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर। even, even, even मतलब बराबर करना, किसी के स्कोर ज्यादा नहीं, किसी के स्कोर कम नहीं, सबके स्कोर कैसे हैं? बराबर हैं। समझ आया? तो even मतलब बराबर करना, even, even, even मतलब बराबर करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है एग्जामिन। क्या है? एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है बच्चों जांचना। क्या होता है? जांचना। जैसे आपकी जब एग्जाम होते हैं, आपके एग्जाम में हम आपकी नोटबुक चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, आपकी नोटबुक्स को जांचते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके जो बॉडी होती है उसको क्या करता है? एग्जामिन करता है, चेक करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। समझ आया? तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। examine, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है बच्चों? जांचना। एक बार फिर से बोलिए, examine, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। एक बार फिर से बोलिए, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। चलिए उसके बाद हमारी जो अगली वर्ब है वो है एग्जिस्ट। क्या है? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है बच्चों अस्तित्व होना। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? अस्तित्व होना। एग्जिस्ट, समझ में आया? EXIST, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, मतलब किसी भी चीज का भाग होना, अस्तित्व होना, उसे हम बोलते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना। एक बार फिर से बोलिए, EXIST, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व होना। चलिए अगली वर्ब है हमारी, क्या है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना, मतलब अपने विचारों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। समझ आया? उसे हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्त करना। EXPREXX, EXPREXX, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है बच्चों? अभिव्यक्त करना। एक बार फिर से बोलिए, EXPREXX, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना। समझ आया आपको? चलिए तो अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं जो कि है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब आकर्षित करना, किसी भी चीज़ की ओर फैसिनेट होना, आप उस चीज़ को देखकर फैसिनेट होते हो, आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हो, तो फैसिनेट, आकर्षित करना। FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आकर्षित करना। फैसिनेट, आकर्षित करना। FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आकर्षित करना। आपको समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। जैसे कोई पक्षी अपने बच्चों को भोजन खिला रहा है, फीड, फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। समझ आया? चलिए स्पेलिंग बोलिए, FEED, फीड। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। फीड, खिलाना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, FEED, फीड। फीड का मतलब क्या होता है बच्चों? खिलाना। फीड, खिलाना। तो आपको समझ आया? एक बार फिर से बोलिए, फीड, खिलाना। चलिए अब हम अपनी अगली, तो बच्चों जो हमारी 20 नंबर की वर्ब है वो है फेरी। फेरी का मतलब होता है नाव से सामान लाना। FERRY, फेरी। फेरी का मतलब क्या होता है? नाव से सामान लाना। फेरी, फेरी मतलब क्या होता है बच्चों? नाव से सामान लाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड, पता लगाना। FIND, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? पता लगाना। समझ आया? फाइंड, पता लगाना। समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है स्थिर करना या फिर निर्धारित करना। जैसे आप कोई मार्केट जाते हो तो आप कोई रेट फिक्स करते हो ना, तो जो, जैसे जो दुकान वाले होते हैं वो भी, शॉपकीपर जो होते हैं वो भी कोई रेट फिक्स करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या करते हैं, वो मूल्य को निर्धारित करते हैं, मतलब
पैसे जितने हैं उसको निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं, या फिर स्थिर करना, किसी चीज को स्थिर कर देना, उसी चीज को वहीं की वहीं लगा देना, स्थिर करना। फिक्स करना मतलब निर्धारित करना या फिर लगा देना, समझ आया आपको? स्थिर करना, फिक्स, स्थिर करना या फिर निर्धारित करना, FIX, फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थिर करना या फिर निर्धारित करना, समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, मतलब किसी भी जगह पर बहुत सारा पानी जब भर जाता है, आपने देखा होगा अभी तो इतनी सारी जगह पर बाढ़ आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाना, FLOOD, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है बच्चों? बाढ़ आ जाना, फ्लड, बाढ़ आ जाना। आपको समझ आया? FLOOD, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना, मतलब किसी भी स्थान पर, एक ही स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में पानी का जमा हो जाना, उसे हम बोलते हैं बाढ़ आ जाना, समझ आया? चलिए एक बार फिर से बोलिए, FLOOD, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना। एक बार फिर से बोलिए, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है बच्चों? बाढ़ आ जाना, फ्लड, बाढ़ आ जाना। चलिए बच्चों, तो जो हमारी अगली वर्ब है वो है फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, FOLD, फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मोड़ना, फोल्ड, मोड़ना। जैसे आप किसी कागज को फोल्ड करते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना। स्पेलिंग बोलिए एक बार, FOLD, फोल्ड। फोल्ड मीन्स मोड़ना, FOLD, फोल्ड। फोल्ड मीन्स मोड़ना। तो आपको समझ आया फोल्ड? फोल्ड मीन्स क्या होता है? मोड़ना। चलिए अगली वर्ब है हमारी फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना, फोर्स मतलब बाध्य करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए फोर्स करना, FORCE, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बाध्य करना, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए फोर्स करना, उससे जबरदस्ती करना। अगर हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती उससे करवाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स का मतलब बाध्य करना, FORCE, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बाध्य करना, फोर्स, बाध्य करना। समझ में आया? तो बच्चों आपको वर्ब सेट 6 की 1 to 25 वर्ब लर्न हुई, समझ आई? लर्न हुई ना? तो आपको होमवर्क में भी ये वर्ब सेट 6 की 1 to 25 वर्ब लर्न करनी है, और उसके बाद क्या करना है? उन्हें अपनी नोटबुक पर लिखनी है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में, समझ आया? चलिए गुड बाय।